कल जन्माष्टमी पर्व मनाते हुए राजकीय माध्यमिक विद्यालय जोगी तालाब में हुए हादसे में घायल 3 बालिकाओं के स्वास्थ्य की जानकारी लेने सीएमएचओ डॉक्टर शंकर एच बामनिया आज गीतांजलि हॉस्पिटल पहुंचे। ज्ञात रहे कि हादसे में 2 बालिकाओं की मृत्यु हो चुकी थी। भर्ती 3 बालिकाओं के स्वास्थ्य की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गीतांजलि अस्पताल पहुंचकर वहां के प्रबंधक से बात कर डॉक्टर हरप्रीत सिंह और मैनेजर विनोद के साथ आईसीयू में भर्ती वंदना और केसर को मिलने पहुंचे। वंदना 11 वर्ष की है और उसके सिर में चोट लगने से 1 से अधिक फ्रैक्चर हुए हैं। अभी उसकी स्थिति अंडर कंट्रोल है। साथ ही आईसीयू में भर्ती केसर जो कि 13 वर्ष की है, उसके बाएं पांव में घुटने के नीचे फ्रैक्चर है और प्लास्टर कर दिया गया है। उसकी सारी जांचें कर ली गई है, स्थिति सामान्य बताई गई है। वार्ड में भर्ती बसंती की स्थिति पूर्णतया अब सामान्य है। उसकी सभी जाँच करवा दी गई है और रिपोर्ट सामान्य आई है। आज उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आईसीयू और वार्ड में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर और स्टाफ से बात कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए और किसी भी प्रकार की स्थिति में सीएमएचओ से संपर्क करने के लिए भी कहा है।